हेलो गाइस, आज की इस वाली वीडियो के अंदर हम कुछ इस तरीके की फ़ोटो एडिटिंग करने वाले हैं। यहाँ पे देख सकते हो बिफ़ोर एंड आफ्टर की हमारी फ़ोटो कितनी ज़्यादा ऑसम लग रही है। तो आप भी काफ़ी कम स्टेप्स में कुछ इस तरीके से एडिट कर सकते हो अपने फ़ोटो को। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। पसंद आती हो तो वीडियो को कर देना लाइक, एंड ऐसी ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को कर देना सब्सक्राइब। तो चले गाइस, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सो गाइज, अपने फोटो को ऑटोडेस्क एप्लीकेशन के अंदर लाएंगे, एंड लाने के बाद हमको इस वाले आइकन पे क्लिक करना है। एंड करने के बाद सबसे पहले हमको अपने बैकग्राउंड को इरेज करना है। तो इरेज करने के लिए हम यहाँ से इस वाले टूल के अंदर से हमको ये वाला ब्रश सिलेक्ट कर लेना है। एंड इसकी सेटिंग्स मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो इसके जो अमाउंट है वो 100 रखना, एंड ब्रश की साइज़ अपने हिसाब से रख सकते हो। ओके, देन कट करता हूँ एंड कुछ इस तरीके से अपने फ्रंट को जो है इरेज करता हूँ मैं। साइज़ यहाँ से अपने हिसाब से बड़ा कर लेना। तो जैसे कि देख सकते हो वाइट बैकग्राउंड है तो थोड़ा नहीं आ रहा, तो यहाँ से मैं इसका बैकग्राउंड का कलर, बैक बैकग्राउंड का कलर मैं चेंज कर लेता हूँ, तो अब मुझे ज़्यादा ईजी लगेगा। तो इसको कुछ इस तरीके से अच्छी तरीके से आप लोग आराम आराम से अपने बैकग्राउंड को इरेज कर लेना। एंड जितना अच्छा आप लोगों का बैकग्राउंड इरेज होगा, उतनी अच्छी आप लोगों की एडिटिंग होगी। तो बैकग्राउंड को अच्छे से केयरफुली एकदम इरेज किया करो। ओके, जब भी किया करो। तो मैं थोड़ा वीडियो की क्लिप को फास्ट कर दिया हूँ, क्योंकि अगर मैं एक एक करके मैनुअली बताऊँगा तो काफ़ी ज़्यादा वीडियो लंबी हो सकती है, एंड आप लोग इस चीज़ से बोर हो सकते हो। तो इसलिए मैं फटाफट से कर लेता हूँ। आप लोग बस इस वीडियो पे बने रहो, मैं सब कुछ आप लोगों को बताऊँगा। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने अपने बैकग्राउंड को पूरा इरेज कर लिया है। ओके, एंड अब मैं क्या करूँगा, सिंपली इसको PNG बनाने के लिए हम लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। देन इसको इस वाले ये जो आइकन है यहाँ पे, इस पे क्लिक कर देंगे तो ये फोटो हमारी जो पीछे बैकग्राउंड का कलर था वो हट जाएगा। ओके, एंड अब हम इसमें बैकग्राउंड ऐड करते हैं। तो बैकग्राउंड ऐड करने के लिए हमको इस वाले आइकन पे क्लिक करना पड़ेगा। एंड करने के बाद इम्पोर्ट इमेज पे यहाँ पे देख सकते हो एक ऑप्शन है, इस पे आ जाओगे जैसे ही, तो आप लोग सिंपली अपने गैलरी के अंदर एंटर हो जाओगे। तो गैलरी के अंदर से आप लोगों को क्या करना है कि अपने फ़ोटो का बैकग्राउंड ले लेना है। तो ये जो बैकग्राउंड मैं यूज़ करूँगा, उसकी इस बैकग्राउंड की लिंक मिल जाएगी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। इजीली जाके फ्री में डाउनलोड करके आप लोग यूज़ कर सकते हो। ओके, तो मैं इसको कुछ इस तरीके से अपने फ़ोटो के ऊपर पूरा लगा दूंगा। अच्छे से सेट कर लेना। ओके, एंड करने के बाद हमको क्या करना है कि सिंपली इसको कर देना है डन। यहाँ से डन कर देता हूँ, एंड अब देख सकते हो जो हमारा फ़ोटो है वो पीछे हो गया है एंड बैकग्राउंड आगे हो गया है। तो अब हमको फ़ोटो को आगे लाने के लिए हमको क्या करना होगा कि लेयर वाले ऑप्शन पे चलना होगा। तो लेयर वाले ऑप्शन पे चलते हैं, देन बैकग्राउंड का लेयर पकड़ के हमको फ़ोटो के नीचे लाना है। तो देख सकते हो हमारा फ़ोटो जो है आगे आ चुका है। देन गाइज, अब अगर आप लोग इस पे से थोड़ा कुछ और एडजस्टमेंट करना चाहो, जैसे अपने हेयर्स वगैरह एडिट करना चाहते हो, तो जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे हेयर्स मेरे कुछ इतने हैं। तो अगर एडिट करना चाहते हो हेयर्स वगैरह, तो मैंने ऑलरेडी थोड़े कर लिए हैं। अगर आप लोगों को इस पे प्रॉपर वीडियो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर है। तो यहाँ से स्मज वाला एक टूल मिल जाएगा आप लोगों को। फर्स्ट वाला ब्रश पे आके साइज़ देख लो यहाँ से, एंड यहाँ से चाहो तो आप लोग अपने हेयर्स को अच्छे से सेलेक्ट कर सकते हो, मतलब अच्छे से और भी ज़्यादा बेटर बना सकते हो। तो मैं अपना वाला लेयर लेके यहाँ से अच्छे से कर लेता हूँ। तो आप लोग कुछ इसी तरीके से अपने हेयर्स को बना सकते हो, तो प्रॉपर नहीं बताऊँगा। एंड यहाँ से आप लोग चल के इस पे आके फेस को अगर और भी ज़्यादा स्मूथ करना चाहो तो स्मूथ भी कर सकते हो। तो इन दोनों की वीडियो की लिंक, फुल वीडियो की लिंक मिल जाएगी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर, जाके वहाँ से देख लेना। अगर आप लोगों को ये सब नहीं आता है तो वहाँ से जाके सीख सकते हो। ओके, वैसे आशा करता हूँ कि आप लोगों को आता ही होगा, काफ़ी दिनों से आप लोग मेरी वीडियो देख ही रहे हो। तो ओके, एंड अब आप लोगों को क्या करना है कि इस फोटो को करना है सेव। तो सेव करने के लिए हम 3 डॉट वाले ऑप्शन पे चलेंगे, शेयर पे चलेंगे, एंड यहाँ से सेव टू डिवाइस कर देंगे। एंड इस फोटो को लेके चलेंगे गाइज हम अपने लाइटरूम के अंदर, वहाँ पे हम चलते हैं एंड कलर ग्रेडिंग करते हैं। ऑल राइट गाइज, तो आ चुके हैं हम अपने फोटो को लेके लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर। एंड यहाँ से हम सबसे पहले चलते हैं अपने लाइट वाले टूल पे, एंड लाइट वाले टूल पे जाने के बाद कॉन्ट्रास्ट जो है बढ़ा देंगे, ताकि हमारे कपड़ों का जो भी कलर टोन है वो वापस से आ जाए। देख सकते हो हमारे शर्ट का कलर ब्लू है तो वो वापस से आ गया है। देन हाईलाइट को थोड़ा माइनस करते हैं 20% के आसपास। ओके, शैडो को बढ़ा देंगे, शैडो कम लग रहा है। एंड कुछ भी नहीं छेड़ना, सिंपली यहाँ से शैडो को तो हम पूरा 100 कर देते हैं। ओके, मतलब कुछ इतना ही रखते हैं, ज़्यादा नहीं कम करना है, इतना ही करना है।
एंड ब्लैक्स को थोड़ा एडजस्टमेंट कर लेंगे। एंड अब यहाँ से कुछ भी नहीं छेड़ना, सिंपली इस वाले टूल पे आना है, देन यहाँ से मिक्स टूल के अंदर चलना है। एंड जाने के बाद यहाँ से आप लोगों को सबसे पहले ब्लू टोन पे आना है। एंड इसका जो ह्यू है, ह्यू को आप लोग देख सकते हो मैं कितना रख रहा हूँ, आप लोग भी कुछ इस तरीके से रख लेना। एंड थोड़ा सा कम ज़्यादा भी कर सकते हो आप लोग अपने फ़ोटो के हिसाब से, ज़रूरी नहीं है कि मेरे जैसा ही फ़ोटो होगा, आप लोगों का थोड़ा सा अलग भी हो सकता है। ओके, तो कुछ इस तरीके से करना। एंड इस कलर पे आना, एंड इसका भी ह्यू बढ़ा देना, सेचुरेशन को पूरा 100 कर देना। एंड यहाँ से एक बार चेक कर लेना कि किस तरीके का कलर टोन हमारे फ़ोटो पे आ सकता है। ओके, एंड यहाँ से कुछ इतना रखते हैं इसको। देन अब हमको क्या करना है कि ये जो दोनों कलर हैं, ग्रीन एंड येलो, इसका सेचुरेशन -100 कर देना है दोनों का। ओके, क्योंकि ये बैकग्राउंड में नहीं है हमारे। एंड फेस का कलर बढ़ाने के लिए हमको आएंगे ऑरेंज टूल पे, लुमिनेंस को इंक्रीज जैसे ही करोगे ना, आपका जो फेस का कलर है वो वाइट हो जाएगा। मेक श्योर कि सेचुरेशन भी माइनस करना, ताकि आप लोगों का फेस नेचुरल वाइट हो जाए। ओके, एंड ह्यू को थोड़ा सा छेड़ दिए हैं। एंड इतना करने के बाद गाइज अब डन कर देंगे। एंड टेम्परेचर जो है इसको हम 4% के आसपास रख देंगे। एंड जो इसका वाइब्रेंस है, वाइब्रेंस को भी थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। एंड इसका टिंट जो है, टिंट को हम बढ़ा देते हैं 3% के आसपास। एंड डन कर देंगे यहाँ से। एंड यहाँ से हम लूमिनेंस इसका देख लेते हैं, सही है। एंड डन कर देंगे। एंड डन करने के बाद गाइस इस वाले टूल पे आके क्लियरिटी को इंक्रीज कर देंगे एंड विग्नेट को माइनस कर देंगे थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। ओके, देन अब देख सकते हो हमारी फ़ोटो कितनी ज़्यादा मस्त एडिट हो चुकी है। बिफोर एंड आफ्टर का फ़र्क भी देख सकते हो। मैं थोड़ा सा जूम करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। ओके, तो जूम करके आप लोगों को यहाँ से दिखाता हूँ। ये देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर हमारी फ़ोटो कितनी अच्छी एडिट हो गई है। तो यही थी गाइज आज की हमारी एक छोटी सी फोटो की एडिटिंग। आई होप कि ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ किसी ऐसी कमाल की नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।